विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच 2 दिसंबर को खेला जाएगा। महाराष्ट्र ने असम को 12 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। वहीं सौराष्ट्र ने कर्नाटक को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल के अगले सीजन से पहले मिनी आईपीएल ऑक्शन का आयोजन होगा, जो कोची में 23 दिसंबर को होगा। ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगवाने के लिए एडमिट्स की वापसी हो रही है, जो पिछले साल हुए ऑक्शन में एक दुर्घटना के बाद हट गए थे। बिग बैश लीग के डिफेंडिंग चैंपियन टीम पर्थ स्कॉचर्स ने अपनी टीम के बल्लेबाज लॉरी इवांस की जगह साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी को आगामी सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा डुप्लेसी आईपीएल 2023 के सीजन में भी नजर आएंगे। आईपीएल की फ्रेंचाइजी आरसीबी ने डुप्लेसी को अपना कप्तान भी चुना है। आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा ही 2 भारतीय खिलाड़ियों के तौर पर शामिल हैं। लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों को ब्रेक का खामियाजा भुगतते हुए अपने स्थान से एक एक पायदान नीचे लुढ़कना पड़ा है। क्राइस्टचर्च वनडे में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने बनाए थे 219 रन। वॉशिंगटन सुंदर के अलावा कोई भी बल्लेबाज लय में नजर नहीं आया। 3 मैचों की सीरीज को न्यूजीलैंड ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। ऋषभ पंत ने फिर किया बल्ले से निराश। तीसरे वनडे में पंत ने बनाए मात्र 10 रन। 3 पारियों में पंत के बल्ले से निकले 31 रन। संजू सैमसन को एक बार फिर किया नजरअंदाज। आउट होने के बाद पंत ड्रेसिंग रूम में इलाज कराते हुए नजर आए। मेडिकल ट्रीटमेंट लेते नजर आए पंत। टीम इंडिया का अगला पड़ाव बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज पर है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 4 दिसंबर को ढाका में खेला जाएगा। रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सीनियर खिलाड़ियों की होगी इस सीरीज में वापसी। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। विजय हजारे ट्रॉफी में फिर चला ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला। सेमीफाइनल मुकाबले में गायकवाड़ ने 168 रन की पारी खेली। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में ऋतुराज ने लगाया था दोहरा शतक। ऋतुराज ने विजय हजारे ट्रॉफी में 3 शतक के साथ अब तक 500 से ज्यादा रन बनाए। भारत ए के खिलाफ सस्ते में ढेर हुआ बांग्लादेश। यशस्वी जायसवाल अभिमन्यु ईश्वरन की धमाकेदार बैटिंग। पारी का आगाज करने आए यशस्वी जायसवाल और कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने मेजबान गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। यशस्वी ने 145 तो अभिमन्यु ने 142 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 283 रन की तूफानी पार्टनरशिप देखने को मिली। पाकिस्तान दौरे पर गई इंग्लैंड टीम के 14 खिलाड़ियों पर वायरस का अटैक। पहले टेस्ट पर मंडराया खतरा। खिलाड़ियों और कोच को होटल में ही रहकर आराम करने की सलाह दी गई है। 16 सदस्यीय खेलने वाली टीम के लगभग आधे खिलाड़ी वायरस की चपेट में हैं। दोनों देशों के बीच पहला मैच रावलपिंडी में 1 दिसंबर को खेला जाएगा। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।